तो जय साथियों, कैसे आई हो दोस्तों? सारे लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करने दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि यहाँ से हर एक इंपॉर्टेंट एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और यहाँ से करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका एस्टेटिक जीके भी दोस्तों क्लियर होते जाते हैं। तो अब तो आप सभी लास्ट वीडियो बने रहता है कि आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में दोस्तों पता चल सके। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है और ये क्यों मनाया जाता है, ये और ये इसका महत्व क्या है दोस्तों, ठीक है? तो ये दोस्तों 29 अप्रैल को मनाया जाता है। कितने को? तो 29 अप्रैल को मनाया जाता है पहले नंबर। तो ये बात पहला क्वेश्चन बन गया। अब बताया जाए कि क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों ये नृत्य में दोस्तों उसके जो वर्क होते हैं दोस्तों, उसको उजागर करने के लिए, उसको फैलाने के लिए दोस्तों, उसी के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि असम में एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया गया है दोस्तों, और असम का सीएम की बात करें तो दोस्तों कौन है, तो हिमंत बिस्व शर्मा जी है। और यहाँ पर कैंसर उपचार दोस्तों केंद्र उद्घाटन किया गया दोस्तों, तो कौन किए उद्घाटन, तो हमारे पीएम मोदी जी ने किए हैं। कौन? तो पीएम मोदी जी ने उनका क्या किया है, उद्घाटन किया है दोस्तों, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये करेंटली है, ठीक है, करेंट में आया दोस्तों, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की। दूसरी बार एनसीएससी के अध्यक्ष के रूप में दूसरी बार किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, ठीक है? किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय सपाल को, ठीक है दोस्तों, उनको क्या किया है दोस्तों, नियुक्त किया गया है एनसीएससी के दूसरी बार अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है? बात करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य बनी है। तो जूरी सदस्य कौन बने दोस्तों 75वें कान फिल्म के फेस्टिवल के कौन बने दोस्तों, तो दीपिका पादुकोण क्या किए दोस्तों, इसका 75वें कान फिल्म फेस्टिवल जूरी का सदस्य बन गए दोस्तों, ठीक है? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पांच नंबर है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 7 स्वर्ण। दोस्तों फाइव नंबर जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 7 स्वर्ण पदक जीतने वाला वो खिलाड़ी कौन है दोस्तों, वो कौन है जो कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में दोस्तों 7 स्वर्ण पदक क्या किए हैं दोस्तों, जीते हैं, कौन हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है? तो यूनिवर्सिटी में दोस्तों गेम्स में क्या किए हैं, 7 स्वर्ण पदक को क्या किए हैं, जीते हैं, तो कौन है, तो शिव श्रीधर। इन्होंने दोस्तों क्या किया कि दोस्तों 7 स्वर्ण पदक को जीता है, और ये कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों, 28 अप्रैल को दोस्तों ये बेंगलुरु में क्या किया गया दोस्तों, इसे स्थापित किया गया दोस्तों, वहीं पर इस ये गेम को खेला गया था, ठीक है? बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन किया। तो ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन किया कौन किया दोस्तों, तो प्रधानमंत्री ने किया दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो प्रधानमंत्री बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर, यानी वैक्यूम आधारित सीवर लगाने वाला पहला शहर वो कौन सा बन गया दोस्तों, जो कि ये लगाया दोस्तों, ठीक है ना? तो कौन है दोस्तों, तो आगरा बन गया दोस्तों, ठीक है ना, आगरा। बात करते हैं दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं क्यों लगा रहा हूँ दोस्तों, करेंट अफेयर्स के बारे में अगर आपको पता नहीं होगा दोस्तों तो आप जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना? तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिएगा आप, ठीक है? बात करते 8 नंबर क्वेश्चन की कि स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन, यानी दोस्तों देखिए यहाँ पर भी पहला आ गया दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी,
करें कि स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाला पहला एयरलाइन कौन होगा दोस्तों, तो इंडिगो, 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 इंडिगो दोस्तों पहला एयरलाइन है जो कि गगन का उपयोग किया गया है दोस्तों, ठीक है, गगन का उपयोग किया है। बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास का मेजबानी करेगा, दुनिया का सबसे बड़े, सबसे बड़े साइबर का अभ्यास करेगा दोस्तों कौन करेगा, एस्टोनिया, 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 एस्टोनिया करेगा दोस्तों इसका अभ्यास, ठीक है दोस्तों। दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास का मेजबानी करेगा कौन, तो एस्टोनिया, एस्टोनिया। तो अब बात कर लेते दोस्तों अपने अप्रैल में जो जो इंपोर्टेंट डे हुआ था दोस्तों उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा दोस्तों इंपोर्टेंट डे है जो कि हमको याद करना है दोस्तों, तो उसी को बात कर दोस्तों मैं इस सबको मिटका करके अप्रैल के इंपोर्टेंट डे के बारे में दोस्तों बताने वाला, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट डे लिखा गया दोस्तों, जैसे कि विश्व पृथ्वी दिवस, उत्कल दिवस का मनाया जाता है, स्वास्थ्य रोग दिवस का मनाया जाता है, चगास रोग दिवस का मनाया जाता है, विश्व लिवर दिवस का मनाया जाता है, विश्व धरोहर दिवस का मनाया जाता है, विश्व आवास दिवस और विश्व मलेरिया दिवस को मनाया जाता है दोस्तों। ये सारे जो दोस्तों यहाँ पर इंपोर्टेंट डे हैं दोस्तों, हर एक एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और इसीलिए मैं दोस्तों इसको आज बताना दोस्तों कि ये कौन सा डे कब मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो बन रहे दोस्तों ताकि आपको हर एक इंपोर्टेंट डे के बारे में दोस्तों पता चल सके। अब बात करते हैं विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, अप्रैल को मनाया जाता है। कोडी बात करते हैं उत्कल दिवस, तो उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, उत्कल दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस दोस्तों 7 अप्रैल को मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चगास रोग दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है, चगास रोग दिवस को मनाया जाता है दोस्तों, तो 14 अप्रैल को क्या किया जाता है दोस्तों, मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व लीवर दिवस को मनाया जाता है, लीवर दिवस को मनाया जाता है दोस्तों, विश्व जो लीवर दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल को, विश्व धरोहर दिवस 20 अप्रैल को। उसके बाद कहते हैं विश्व आवास दिवस कब, अब देखिए दोस्तों जो विश्व आवास दिवस होता है, विश्व आवास दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, ठीक है, तो ये मनाया जाता है 16 अप्रैल को मनाया जाता है, 16 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, ये सभी ये तो आप सभी को पता है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, और ये मलेरिया जो होता है दोस्तों किसके कारण से होता है, तो प्रोटोजुआ कारण से दोस्तों मलेरिया फैलता है, प्रोटोजुआ कारण से क्या होता है, मलेरिया फैलता है। तो दोस्तों ये रहा सारे आपके इंपोर्टेंट डे दोस्तों जो कि अप्रैल में मनाया गया दोस्तों, और सारा भी बहुत है लेकिन मैंने इतना ही इंपोर्टेंट दोस्तों माना है और वो दोस्तों आप सभी को दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों हर एक एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर ज्यादा कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस कर दे दोस्तों, ताकि ऐसा हर एक इंपोर्टेंट वीडियो दोस्तों आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, जय हिंद जय भारत।